हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स? आज की वीडियो में हम बात करेंगे वही रिक्वेस्ट वैलिडेशन के ऊपर। रोल का कंट्रोलर वगैरह हमने क्रिएट कर लिया था, रोल का कड कंप्लीट कर लिया था हमने पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम इस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट वैलिडेट करना ज़रूरी है और इसी के थ्रू हम किसी डाटा हम सेटिस्फाई हो सकते हैं कि यूजर ने जो डाटा सेंड किया वो हमारा काम का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेनली जैसे कि हम अलग अलग सारी चीज़ें रख रहे हैं, तो यहाँ पे टर्मिनल के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक कोलन रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे रोल रिक्वेस्ट। ठीक है, कि रोल के लिए जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको वैलिडेट हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रोल रिक्वेस्ट के नाम से ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिए। हमें क्या करना है, हमें ऐड करना पड़ेगा यूज़र के अंदर। ठीक है, यूज़र स्लैश रोल रिक्वेस्ट। ठीक है, नहीं, इसको हम रोल के अंदर ही रखते हैं, रोल फोल्डर के अंदर रखेंगे, रोल स्लैश रोल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रोल का फोल्डर मिल रहा है, मैं इस रिक्वेस्ट को डिलीट कर देता हूँ। ओके, यहाँ से रिफैक्टर डिलीट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को हम यूज़ करेंगे, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और यहाँ से सबसे पहले इसको हमने ट्रू रिटर्न करना है ताकि वो ऑथराइज हो सके। और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको पहले ही बताया था रिक्वेस्ट वाले सेक्शन के अंदर कि आप यहाँ पे आईडी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, कि यूज़र की जो आईडी है उसको ऑथराइज करना है या नहीं करना, तो इस तरीके की चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रूल्स के अंदर हम पास करेंगे, बेसिकली हमें नेम प्रोवाइड करना है, तो नेम हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें चाहिए, ज़रूरी है ये, और हम इसमें पास कर सकते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पर बस इतना ही हमें करना है, बाकी हम मैसेजेस भी पास कर सकते हैं, मैसेजेस हमारे रहेंगे। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं इसको नेम डॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ से मैं लिखूँगा कि रोल नेम इज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड, और इसके बाद में हम पास कर सकते हैं नेम डॉट स्ट्रिंग, और यहाँ पे रोल नेम शुड बी करेक्टर। ठीक है, ओके, करेक्टर की स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ से टाइपो एरर को चेंज कर देते हैं और यहाँ पे इसको सेमी कॉलन लगा के सेव करते हैं। अभी इस रिक्वेस्ट को हमें यूज़ करना होगा हमारे रोल कंट्रोलर की तरफ, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जहाँ पर भी हम यूज़ करें हमें पास करना है रोल रिक्वेस्ट, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी यूज में आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल रिक्वेस्ट यहाँ पे यूज में आ गई है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, यहाँ से रिक्वेस्ट हम यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे जहाँ पर दूसरी जगह रिक्वेस्ट यूज हो रही है हमारे मेथड के अंदर, अपडेट मेथड के अंदर, तो यहाँ पे हम पास करेंगे रोल और इसके बाद में हम लिखेंगे रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और अब भी मैं इसको सेव करूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमने जो मेथड यूज़ किया था क्रिएट डॉट, जो हमारी फाइल थी क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, इसके अंदर हमने इंक्लूड किया हुआ है एरर वाला, तो हमें एरर वगैरह के लिए दोबारा से कुछ चीज़ें ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा, सेव करूँगा, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा रोल नेम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह को वैलिडेट कर सकते हैं, और ये आपका कोड काफ़ी छोटा रहेगा इसमें, अगर आप डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं करते, रिक्वेस्ट को यहाँ पे वैलिडेट ना करके आप अलग से फाइल बनाते हैं, तो आपको पता रहेगा कि सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर आप करवा रहे हैं, वैलिडेट करवा रहे हैं, और आपका कोड यहाँ पे छोटे से छोटा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो रिक्वेस्ट है उसको वैलिडेट करवा सकते हैं। तो ये वीडियो थी हमारे रोल रिक्वेस्ट को वैलिडेट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम परमिशन वगैरह ऐड करेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो हम दोबारा से यही जो रिक्वेस्ट है, परमिशन रिक्वेस्ट है, उसको हम करवाएंगे वैलिडेट, और उसके बाद में हम दोनों को असाइन करेंगे कि किस बंदे को कौन सी जो परमिशन है वो देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये वीडियो थी हमारी रोल रिक्वेस्ट के ऊपर। अभी के लिए मैं इसको चैप्टर के अंदर, इसको गिटहब के अंदर डाल देते हैं, मैं कंट्रोल क्लियर करूँगा। यहाँ पर हम लिखेंगे गिट, और यहाँ पर लिखेंगे पहले सारे सारे फाइल्स ऐड कर लेते हैं, गिट एड ऑल, ओके, माइनस माइनस ऑल है। ठीक है, और इसके बाद में हमें ऐड करना है गिट कमिट, कमिट में हम मैसेज पास करेंगे और इसमें लिखेंगे चैप्टर 9 कोड, और इसके बाद में एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे चैप्टर 9 के लिए हमारा ये ऐड हो गया है। इस अभी हमें इसकी गिट की जो ब्रांच है वो चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट चेकआउट
माइनस बी यानी ब्रांच, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा चैप्टर अंडरस्कोर 9, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। अभी आप देख सकते हैं शिफ्ट हो गए हम चैप्टर 9 के ऊपर, और यहाँ पे हम लिखेंगे गिट पुश और ओरिजिन ओरिजिन, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे चैप्टर अंडरस्कोर 9, ठीक है, रन करेंगे और यहाँ पे हमारा चैप्टर कोड सारे के सारे यहाँ पे रन हो जाएंगे। और इस तरीके से हम इसको हमारे जो कोड है उसको पुश कर सकते हैं, अगर आप पुश करना चाहें तो इस तरीके से पुश कर पाएंगे। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो गिटहब के ऊपर जाएंगे, उसके बाद में बाकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको मिलेगा हमारा लारा ब्लॉग, और इसके अंदर आपको सारे के सारे देख सकते हैं आप चैप्टर 9 हमने पब्लिश किया था, तो चैप्टर 9 के अंदर जो भी कोड हमने अभी रखे हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे ऐप के अंदर हमारा चेंजेस हुआ है, बाकी कहीं चेंजेस नहीं हुआ है, तो ऐप के अंदर हमारा चेंजेस हुआ था जो कि हमने रोल रिक्वेस्ट ऐड की थी, तो वो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर से भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछ कर सकते हैं और वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलता रहेगा। बाकी क्योंकि मैं सारा दिन ऑनलाइन रहता हूँ, लगभग 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मैं ऑनलाइन रहता हूँ, और वहाँ पे आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कोडिंग करते रहिए, मज़े में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।